क्या आंसर आया इसका? बिल्कुल 9/4। करेक्ट, सो 9/4। बिल्कुल सही, अच्छी, गुड, कोई डाउट नहीं है, राइट? जो करके आए उनसे ही पूछ रहा हूं मैं, जो नहीं करके आए वो बैठे रहेंगे। ओके आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालो, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अभी क्या किया, कौन सा टॉपिक फिनिश हुआ? स्केलर बॉक्स प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट ट्रिपल और प्रोडक्ट। बॉक्स प्रोडक्ट, अब हम कर रहे हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये तो काफी छोटा है, इसकी एप्लीकेशन भी नहीं है, बस फॉर्मूला बेस हमें समझना है, बस नथिंग एल्स। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा? इट इज डिफाइंड एज ए क्रॉस टू क्रॉस क्रॉस सी, बी क्रॉस सी। बट प्रॉब्लम ये है बच्चों कि कौन सा क्रॉस करेंगे पहले वो मैटर तो करेगा, एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर, यस सर, यस। पहली बात तो हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि ये और ये सेम नहीं होता है, दोनों का फॉर्मूला निकालेंगे फिर और कन्विंस हो जाएंगे, बट अभी एलिमेंट्री लेवल पे ही लग रहा है कि अलग अलग चीज है। एग्रीड? यस सर, यस। तो अब ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फिर उसका प्रूफ करेंगे, फिर बात करते हैं आगे। तो इसका फॉर्मूला होता है ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। लिखना विखना सब बंद, एक साथ देखेंगे प्रूफ, क्योंकि प्रूफ समझने में बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, उसके बेसिस पे ही कुछ चीज़ें समझ में आती है। तो लेट से ये तुम्हारा स्क्रीन का प्लेन है, देखो ये तुम्हारा स्क्रीन का प्लेन है। लेट से बी वेक्टर एंड सी वेक्टर स्क्रीन के प्लेन में, यहाँ तक ओके एवरीवन? यस सर, यस सर। ए वेक्टर का इसी प्लेन में होना जरूरी है क्या? नहीं ना, नो सर, कोई भी है तो ये इमेजिन कर लेना ये मतलब 3D में, 3D में मतलब ऊपर है कहीं, ठीक है एवरीवन? यस सर, यस सर, मतलब ये वेक्टर ब्लैक प्लेन में नहीं है, इसलिए मैंने पर्पल प्लेन पर्पल लाइन से बनाया है। क्लियर? यस सर, यस सर, यस सर। अब अगर रिजल्टेंट की बात करो, रिजल्टेंट को किससे मार्क करा हुआ है मैंने? ग्रीन पेन से। लेट से आर वेक्टर इज ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो कम ऑन हम ये बोल सकते हैं बिल्कुल कि आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, जल्दी से एग्री करो। यस सर, यस सर, अरे कम ऑन, ए क्रॉस बी क्या होता है? परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। यस सर, आर वेक्टर किससे परपेंडिकुलर है? ए ए एंड आर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी, कम ऑन। यस सर, बी क्रॉस सी कहाँ पे? बी क्रॉस सी तो ब्लैक प्लेन के परपेंडिकुलर, एग्री करो। बी क्रॉस सी, यस सर, यस सर, मतलब सी वेक्टर के भी 90 डिग्री में है और बी वेक्टर के भी 90 डिग्री में है, बी क्रॉस सी, करेक्ट ना? यस सर, यस सर। और हमारा आर वेक्टर कैसा है देखना, हमारा आर वेक्टर ए से तो परपेंडिकुलर है ही है, मतलब ए अगर 3D में कोई भी फिगर है ऐसे समझ लो तो उससे तो परपेंडिकुलर है ही है, बट बी क्रॉस सी से भी परपेंडिकुलर है। अब इमेजिन ना, तुम्हारे स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रहा है बी क्रॉस सी, उससे परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा वो कहाँ पे होगा फिर? कम ऑन, इन प्लेन, इन द स्क्रीन प्लेन, कम ऑन, इन द स्क्रीन प्लेन। वापस समझा रहा हूँ, तुम्हारे स्क्रीन में मान लो बी और सी है, तो बी क्रॉस सी उसके आउटवर्ड में ना तुम्हारी तरफ है स्क्रीन से, यस सर। अब उससे आर वेक्टर वापस परपेंडिकुलर है तो कहाँ पे हो जाएगा? इनवर्ड, इन द इन द प्लेन ऑफ द स्क्रीन। सो कौन से कलर से बनाऊं? ब्लैक, द ब्लैक, ब्लैक कलर। सो ब्लैक कलर से बना दिया, देखो ये रहा आर वेक्टर व्हिच इज द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, करेक्ट एवरीवन? यस सर, यस सर। एंड इट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू व्हाट? ए वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी से, बिल्कुल। और ए तो कहना ही सही, यहाँ पे समझ में आया, इससे मेनली समझ में आया कि आर वेक्टर इज कम ऑन कीवर्ड कोप्लेनर विद बी एंड सी। यस सर, यस सर। तो इसी से शुरुआत करते हैं, इफ आर वेक्टर इज कोप्लेनर, कम ऑन कोप्लेनरिटी याद करो, इफ थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर देन एक्स इज इक्वल्स टू, क्या करते थे अपन? ए वेक्टर इज एक्स बी प्लस वाई सी, ये सुनो, यस सर। तो आर वेक्टर कितना हो गया? एक्स बी प्लस वाई सी, वाई सी। देखो जो तुम्हें प्रूव करना है वो एक्स बी प्लस वाई सी ही है, ध्यान से लिख रहा है? यस सर, यस सर। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो अब एक और इन्फॉर्मेशन मुझे क्या पता है? एनीबडी? आर इज परपेंडिकुलर टू, वेरी गुड, आर डॉट ए जीरो है, हाँ है ना? यस सर, यस सर। तो दोनों तरफ डॉट ए ले लेता हूँ, एक्स ए डॉट बी प्लस वाई ए डॉट सी दैट इज इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से एक्स ए डॉट बी
is equals to minus y a dot c आ गया, correct everyone? Yes sir. Yes sir. So let's say ऐसा कर लेते हैं, x by a dot c is equals to minus y by a dot b, सही है ये भी? हाँ हाँ. Yes sir. Yes sir. सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, नथिंग एल्स, इधर लाया इधर लाया, ठीक है? Yes sir. Is equals to let's say इसको लैम्डा ले लेते हैं, चलेगा यहाँ तक? Yes yes sir. So who was r vector first equation से? R vector was x into b. अब x की वैल्यू क्या रखने वाला हूँ? Come on. Lambda a dot c. Lambda a dot c. हाँ या ना बच्चों? Yes sir. Yes sir. Plus y c. Y की वैल्यू क्या रखने वाला हूँ? Minus lambda. Minus lambda a dot b. Lambda a dot b. यहाँ तक okay? Yeah. Yes sir. तो ध्यान से देखोगे तो r vector almost prove हो गया है. A dot C B vector minus A dot B C vector, only lambda की value निकालनी है, देखना वही है, A dot C B, देखो ऊपर A dot C B minus A dot B, A dot B C, सिर्फ lambda क्या show करना है, one है, हाँ है ना? Yes sir. Yes sir. अच्छा R vector है कौन वैसे? Triple cross B cross C. तो ये formula आने वाला है, correct हो ना? Can I say ये formula है? Yes sir. Yes, जैसे sin square theta plus cos square theta equal to one is a formula, right? Yes, sir. तो sin square theta plus cos square theta formula से better identity use करना चाहिए मुझे, word identity है, तो वो कौन से theta के letter होता है? For all. मतलब ये जो formula आने वाला ये भी हर vector के letter होना चाहिए ना everyone? Yes, sir. तो since this is an identity, lambda की value निकालने के लिए अब मैं a b c की value रखूँगा. समझ में आ गया? Yes sir. Yes sir. Lambda can be found by putting any values of what? A, B, and C. Obviously मैं कोई pathetic काम तो करूंगा नहीं कि difficult values तो रखूंगा नहीं, मैं तो easy से रखूंगा, A को I, B को J, C को 2 I cap. Correct everyone इस तरीके से? Yes sir. Yes sir. A cap भी रख सकते हो, but वो देख लेंगे जो भी रखते हैं. तो उससे बस शो हो जाता है, मैं कर नहीं रहा हूँ, लैम्डा इक्वल टू वन आ जाता है. इज दैट क्लियर? यस सर. तो अभी प्रूफ ये बाद में कॉपी करोगे, सुन लिया सबने? सिर्फ फॉर्मूला तो कॉपी कर लो, प्रूफ नोट्स के थ्रू कॉपी कर लेना, फालतू का भी टाइम वेस्ट हो गया. सिर्फ ये दो लाइन कॉपी करो और एक पेज छोड़ दो प्रूफ के लिए, जरूर लिखना बाद में. I hope copy हो गया था. Yes sir. Done sir. Points to note. चलो formula कैसे याद रखना है वो देखो इधर, क्योंकि हर बार ऐसे सोचोगे तो नहीं. ध्यान से देखो इसका अगर answer ये है, तो can I say मैंने answer लिखा है b vector और c vector के terms में? Come on. Yes sir. Yes sir. हाँ है ना everyone? Yes sir. B और C के टर्म्स में क्यों लिखा है? क्योंकि हमें पता है it is actually what? O-planar with? Planar. B cross. O-planar with the vectors in brackets. Come on, agree करो, all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. B और C brackets में लिखा है, तो उनके साथ co-planar होगा, तो हमें formula याद करने में भी सही रहेगा कि अच्छा, answer B और C के टर्म्स में लिखना है. बिल्कुल clear? Yes, sir. And it is perpendicular to A vector. ये दोनों property तो है ही है. अब इसको याद करने का तरीका ऐसा है, मेरे साथ देखना. जंप, मैं ये वर्ड यूज करूंगा, ये सिर्फ मेरी लैंग्वेज में ऑब्वियसली को याद कराने के लिए, तो मैं पैटर्न दिखाने के लिए. तो ए और बी दिख रहा है सबको, डॉट लेना है कहीं ना कहीं, राइट एवरीवन? यस सर. यस सर. तो ए का डॉट लूंगा या तो बी के साथ या सी के साथ, तो पहला जो डॉट होगा, देखो पहले एक डॉट ए डॉट सी है, एक डॉट ए डॉट बी है, तो पहला डॉट जंप के साथ होगा. समझ में आया? यस सर. यस सर. मतलब किसका जंप किया अपन ने? बी का जंप कर लिया, तो अपने आप ए डॉट सी आएगा, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे कौन आ जाएगा? बी वेक्टर. बी वेक्टर. बी वेक्टर. माइनस में आप अप कौन होगा फिर? तो ए डॉट बी सी वेक्टर. ठीक है, यस सर. करने के लिए एक और टेस्ट करते हैं.
यस सर। ए क्रॉस बी, मैं जैसे जितना पूछूं सिर्फ उतना बोलोगे, इसका फॉर्मूला दिखना है हमें, पता है इसका आंसर तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के टर्म्स में होगा बच्चों। यस यस सर। बट पहला डॉट कैसे लिखेंगे, जंप के साथ, हाँ है ना? डॉट सी, ए डॉट सी इनटू बी वेक्टर, डॉट इनटू बी वेक्टर। एक सेकंड, ए डॉट सी बी वेक्टर, आगे बोलो। माइनस ऑटोमेटिक कौन होगा, बी डॉट सी टू ए वेक्टर, डॉट ए मतलब जो, हाँ चुप रहे, जो ब्रैकेट्स के बाहर है उसका ही डॉट होगा दोनों के साथ, तो क्लियर है ना? यस सर। देखो सी का हुआ और बी सी का हुआ, ऊपर ए का हुआ और ए का हुआ क्योंकि बाहर थे ब्रैकेट्स के। तो अब ध्यान से देखो दोनों फॉर्मूलास को और बताओ क्या ये इक्वल है या नहीं है? नहीं है। देखो फर्स्ट टर्म तो इक्वल है बट सेकंड टर्म तो बिल्कुल डिफरेंट है ना एवरीवन? यस सर। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में ब्रैकेट लगाना जरूरी है या नहीं है? जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। और इतना जरूरी है कि जिनके साथ ब्रैकेट लग रहा है उसी के साथ कोप्लेनर होता है, करेक्ट है नॉट? यस सर। यस सर। कोई कर लो, done all of you? Yes sir. Yes sir. Okay. चलो ये question करो. Sir. Sir, आपने जो पहले page पे वो a vector बनाया था ना, वो कौन से plane में था exactly? Black plane मतलब a vector क्या है? 3D मतलब black में नहीं है, मतलब हवा में बस. Okay. Black plane में नहीं है, हवा में कहीं भी है. Okay sir. ये तीन पार्ट्स हैं या तीनों कंडीशन है एक ही पार्ट, एक ही क्वेश्चन के लिए? कंडीशन है, कंडीशन कंडीशन।
कम ऑन लास्ट 30 सेकंड जल्दी आंसर. ओके देखिए किसका आया. सॉरी मिस्टेक है. रिया फैक्टर 2 का मिसिंग है. चलो नालायकों मेरे साथ बताओ क्या ऐसा करेंगे क्या कि लेट एक्स वेक्टर भी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के क्या हो सर. एक्स वेक्टर वो तो सबसे पैथेटिक मेथड है. करेक्ट एवरीवन. यस सर. कि एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप ये तो सबसे बेकार. यस मेथड 2 को प्लेनर है तो वो ले सकता हूँ. कम ऑन एल ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर ये पहले भी करा. एग्री करो. यस सर. यस सर. है ना. बट इससे भी बेटर मेथड अब आ गया एक्चुअली. क्या अच्छा कोप्लेनर इन दोनों के साथ और परपेंडिकुलर इनके साथ. कम ऑन वही तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है. यस सर. यस सर. या कोप्लेनर जिनके साथ होता है उनको कहां पे रखते हैं. ब्रैकेट में. ब्रैकेट में. और जिसके साथ बाय द वे परपेंडिकुलर है उसके साथ यहां रखते हैं. एग्री करो. यस सर. यस सर. यस सर. बट तुम बताओ अगर ये वेक्टर है बाय द वे 5i कैप बाय द वे तो मैं बोलूं कि 2 * 5 5 कैप भी वही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि उसी डायरेक्शन के अलोंग है. कम ऑन. यस सर. यस. यस सर. हाँ है ना बच्चों. यस सर. मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि ये मानना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. वो सारी प्रॉपर्टी तो ये या फिर 2 टाइम्स ऑफ दिस या 10 टाइम्स ऑफ दिस भी सेटिस्फाई करता है. एग्री करो ऑल ऑफ यू. यस सर. यस सर. स्टिल कोप्लेनर होगा स्टिल परपेंडिकुलर होगा. ओनली थिंग इज मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है. करेक्ट है एवरीवन. यस सर. क्या ये सबको क्लियर है लैम्डा. यस सर. यस सर. और उसी लैम्डा के लिए तो तीसरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना. यस सर. Yes, sir. A dot x is equals to lambda A dot B cross A cross B. क्या है? Is equals to कितना रखा है? 7. Okay. Yes, sir. So कैसे dot लें इसके साथ बताओ. Vector triple product की definition डाल दें अंदर. Yes, sir. Yes. Jump के साथ B square A vector minus A dot B B vector is equals to 7. अब A के साथ dot ले रहा हूँ. Lambda B square A square minus A dot B, A dot B, lambda A dot B ka square is equals to 7. अब सबकी वैल्यू डाल दो. B square, A square सब तबाही मचा दो. B square कितना है? 5. A square कितना है? 3. Okay, A dot B कितना है? Minus 2 plus 1 minus 1. Minus 1 ka square 1 is equals to 7. Lambda is equals to 7 by 14, that is half. So this is your X vector. तो clear है बिल्कुल? Yes, अब इसकी वैल्यू निकालनी हो तो ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा के आ जाएगा ना. यस सर. यस सर. बस मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ. जल्दी से कॉपी करो आगे बढ़ो. 1/2. समझ गई रिया क्या मिस्टेक हुई? बस एक ही छोटी सी. हाँ सर वो लैम्डा वाला लैम्डा नहीं लिया बस.
So, mm. So could you please tell apne lambda kyun liya? Kuch soch. Soch jaldi se. मैं बोलूं आई कैप के अलोंग एक वेक्टर है तो सिर्फ आई कैप होता है क्या या टू आई कैप भी होता है फाइव आई कैप भी होता है यस सर समझा समझा स्ट्राइक हो गया सर सबका कॉपी हो गया एवरीवन यस सर डन सर स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन Hurry up, boys and girls. एक जगह अटक के अटक गए होगे a डॉट i i कैप आया ना हाँ सर यहाँ पे अटके या नहीं अटके यस सर यस सर यस सर तो तुम प्रोजेक्शन के बारे में नहीं सोच रहे हो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होता था a डॉट b अपॉन मॉड b व्हिच इज a डॉट b कैप ओनली ये मतलब a डॉट b कैप क्या होता है प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b होता है तो अगर a डॉट i कैप बोल रहा हूं तो a का प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस क्या होता है उसका x कंपोनेंट आया ना यस सर ये तो कोई अच्छा बच्चा तो दिमाग वाला है वो सोच के कर रहे हैं जिसके पास दिमाग नहीं है वो यहाँ की वैल्यू रखो तुम्हें समझ में आ जाएगा अदरवाइज प्रोजेक्शन के टर्म्स में सोचना चाहिए अच्छा इसका मतलब ए का आई कैप ब्लॉक प्रोजेक्शन मतलब वो एक्स आई कैप हो गया बट वो भी नहीं सोच सकते हो तो फिर वैल्यू पुट करके देखो जल्दी
चलो अब मैं फिनिश कर रहा हूँ नलायक को वैसे ही. क्या होता है जंप के साथ आई स्क्वायर ए वेक्टर माइनस ए डॉट आई आई वेक्टर सेम वे में जे स्क्वायर ए वेक्टर माइनस एंड सो ऑन. सो आई स्क्वायर ए जे स्क्वायर इस सब तो बन होते हैं मतलब थ्री ए वेक्टर माइनस ए डॉट आई कैप प्लस ए डॉट जे कैप प्लस ए डॉट के कैप करेक्ट एवरीवन. यस सर वापस समझा रहा हूँ वो प्रोजेक्शन वाला पार्ट समझ में आ गया क्या एवरीवन या नहीं आया? हाँ सर आ गया समझ आ गया. इट इज ए डॉट बी कैप होता है यही. ये क्या होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी. जैसे अगर मैं बोलूँ कोई भी थ्री डी में मैंने पैरेललोपिपेड के थ्रू तुम्हें डायग्राम बना के बताया था ए वेक्टर का प्रोजेक्शन एक्स पे क्या होता है उसका एक्स कंपोनेंट ए एक्स. तो ये ए डॉट आई कैप क्या हो गया ए का एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस ए का वाई कंपोनेंट जे कैप प्लस ए का जेड कंपोनेंट के कैप. ए का एक्स कंपोनेंट मतलब यही वाला पार्ट. अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा तो ये रख के देखो यार ए डॉट आई कैप यहाँ पे रखोगे तो क्या आएगा जल्दी बताओ एवरीवन. ए डॉट आई कैप कितना आएगा एक्स जो मैं बोल रहा हूँ उसका एक्स कंपोनेंट प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. यस सर. तो क्या सबको अपने बटन जैसी आंखों से दिख रहा है ये ए वेक्टर ही है वापस? यस सर. यस सर. हो गया सबका? यस सर हो गया. यस सर. थर्ड क्वेश्चन फटाफट करिए. कम ऑन जल्दी से करो दो बार मतलब डॉट क्रॉस करने के बाद
वेक्टर त्रिभुज प्रोडक्ट की डेफिनेशन के बाद अगर स्क्वायर करना पड़े स्क्वायर कर दो, एक और शॉर्टकट भी है वो भी अभी समझाऊंगा। सर आंसर भेज दिया चैट में। ओके गुड, करेक्ट आंसर है लड़की को, वेरी गुड। बहुत दिनों बाद तेरा माइक ठीक हो गया क्या लड़की? नहीं सर मैं अलग रूम में बैठी हूँ। एवरीवन जल्दी करो, तू एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर ले। भव्य चेक करो, वेदांश बिल्कुल करेक्ट। चलो मैं बताता हूँ कैसे करा, शिवानी तू बता। सर पहले a डॉट c इनटू a माइनस a डॉट a ब्रैकेट c इक्वल टू माइनस b स्क्वायर की। करेक्ट करेक्ट। तन्वी क्या करा? सर सेम वैसे ही किया पहले। वेदांश ओके, वेदांश माइक वाइक है नहीं है मेरे को नहीं पता, बोलना चाहता है तो यू कैन। चलो एनीवे मेथड वन जैसे दोनों लड़कियों ने भी किया, वेक्टर त्रिभुज प्रोडक्ट की डेफिनेशन यूज करो, ये बिल्कुल ओके है बट मतलब ये हमेशा लगेगा एक्चुअली, बट इससे छोटा मेथड इस क्वेश्चन के लिए है वो भी बताऊंगा। तो पहले ए डॉट सी ए वेक्टर माइनस ए स्क्वायर सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू जीरो, करेक्ट एवरीवन? यस। अब ए डॉट सी या कुछ पता है क्या हमें? ए स्क्वायर पता है राइट? Yes, sir. A dot C, A vector minus A square कितना है? 1. C vector equal to minus B vector, everyone? Yes, sir. Yes, sir. मुझे सिर्फ एंगल A और C का एंगल निकालना है, मतलब A dot C कहीं ना कहीं से पैदा करना है, एग्री करो? Yes, sir. A dot C कैसे पैदा करूंगा? Square से ही ना, everyone? Yes, sir. तो अब स्क्वायर कर रहे हैं, A dot C, A vector minus C vector का square is equals to B square. I hope you agree. B square is 1. Yes, sir. तो यहाँ पे आराम से बस वेक्टर का अब स्क्वायर करना ही हो सोचो बस, है ना? तो क्या होता है पहले ए स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा ए डॉट सी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट सी इनटू ए डॉट सी। एवरीवन ओके? यस सर। यस यस सर। ओके नाउ ए वेक्टर वापस ए स्क्वायर इज 1 सी स्क्वायर इज 1 तो कितना हो गया, और ए डॉट सी का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए डॉट सी का स्क्वायर इज माइनस ए डॉट सी का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो आ गया है, तो कुछ कबाड़ा कर गया। अच्छा सी स्क्वायर इज नॉट 1, सी स्क्वायर इज 2, सॉरी सी इज 2 तो सी स्क्वायर विल बी 4। साउंड्स गुड? यस सर। आई होप देख रहे हो यहां पर कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। सो ए डॉट सी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 3। ए डॉट सी क्या होता है? ए स्क्वायर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। ए स्क्वायर इज 1 but c square is 4 so cos square theta is equal to 3 by 4, correct bachcho? Yes sir. Yes sir. Cos theta is plus minus root 3 by 2 so theta is equal to acute angle kitna ho jayega 5 by 6 30 degree. Clear everyone? Yes sir. Yes sir. Method 2 bhi acha hai, wo bahut baar tumhe lagana bhi chahiye actually, ki agar question sirf bol raha hai ki angle angle deal karne ke liye aur magnitude magnitude bhi de rakhe hain
तो बी वेक्टर को राइट में ले जाओ, देखना ध्यान से, और हर जगह मॉडुलस ले लो, मॉडुलस मॉडुलस मॉडुलस, मॉड भी कितना है, वन, वन, करेक्ट ना? यस सर, यस सर। और लेफ्ट साइड में आप किसका मॉड हो रहा है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का हो रहा है, करेक्ट एवरीवन? यस सर, यस सर। क्या होता है वो, मॉड ए क्रॉस सी इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड ए क्रॉस सी, कितना होता है एंगल ए और ए क्रॉस सी का बीच का एंगल, 90 डिग्री, 90। मॉड ए इज वन, वापस इसको ब्रेक कर रहा हूँ, मॉड ए मॉड सी into sin of angle between A and C into 1 is 1. बस आ गया इससे तो एक झटके में आंसर. लिखिए एवरीवन. यस सर. यस सर. कॉपी कर लो जल्दी से. तो यस सर, आपने जो सॉल्यूशन ग्रुप पे भेजे हैं ना सर, वो मैच नहीं हो रहे. मैं लिखने वाला हूँ. और तेरा काम यही है क्या, वो बीच में व्हाट्सएप देखना? नहीं सर, मोबाइल बाजू में पड़ा था तो पता था. क्या खोल के देख रहा है तो उसका क्या मतलब होता है? और वो भी मेरे समझाने के बाद, चुप रह राहिल, मेरे जस्ट समझाने के बाद तू बोल रहा है तो तू कर क्या रहा है? मतलब समझना तो तेरे को है ही नहीं. नहीं सर, ये क्वेश्चन हो गया इससे देख ना, तो तूने आंसर दिया, फिर आंसर तो दिया नहीं तूने. फिर सर वो स्क्वायर वाला पार्ट मेरे को नहीं आया, इसलिए उसके बाद मेरे को पता चल गया. तो तूने कॉपी कर लिया? हां सर, मेरे को स्क्वायर वाला ही नहीं आया, उसके बाद मैंने कर लिया. तो कॉपी कर लिया सर, मैंने कॉपी पहले कर, मैं अभी जूते मारूंगा. कॉपी करा तूने? मैं क्या पूछ रहा हूँ वो. हाँ हाँ सर, हो गया मेरा. कब कॉपी करा? जब मैं समझा रहा हूँ तब तूने कॉपी करा फिर तो? या तो नहीं सर, पर मेरे को पहले पता चल गया क्या करना था इसे. जीनियस है तू, हैं मार खाएगा जब जब आर्गुमेंट करे जा रहा है. व्हेन आई एम टीचिंग यू, तेरा ध्यान है ना व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पे नहीं होना चाहिए. ओके सर. क्या लिखा है राहुल मैसेज ग्रुप पे, पढ़ बता. सर मोबाइल मेरे पास नहीं है, मैंने रख दिया किधर. हाँ बेटर आंसर, अभी पढ़ तो लेता तो वापस जूते खाता तू, है ना? हाँ सर. Copy it, everyone. Done, sir. But almost the finished method. Mm-hmm. Edges are represented by the vectors P by Q. ये इक्वेशन ट्वाइस जी थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो. आई थिंक अब कॉपी हो गया एवरीवन. कैन आई मूव मिताली? यस सर. ओके, छोटा सा टॉपिक है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है. एंड सेम गोज विद द लास्ट टू टॉपिक व्हिच आर जस्ट फॉर्मूला बताने. स्केलर फोर प्रोडक्ट, स्केलर फोर प्रोडक्ट हेडिंग लिखो और दूसरे एडिंग मत लिखना, बाद में कॉपी करोगे तुम. वेक्टर फोर प्रोडक्ट दोनों एक साथ समझाऊंगा. रेडी ऑल ऑफ अस? यस सर. ये नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा बेटर. लिखना बंद. फोर प्रोडक्ट मतलब कितने वेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे एवरीवन? चार. तो ए क्रॉस बी सी क्रॉस डी और बीच में फिर क्या होने वाला है? डॉट. अगर डॉट है तो ब्रैकेट्स में लिखने की जरूरत है? नहीं है, नहीं है. नहीं है. जल्दी सोचो. नहीं है, नहीं है. क्योंकि नहीं. ये तो वेक्टर होगा, वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट मतलब फाइनल आंसर तो स्केलर होगा ना? यस सर. यस सर. देयर इज नो नीड टू राइट इन ब्रैकेट, वो तो मैंने यूं ही लिख दिए, ठीक है ना? यस. अब इसका आंसर ये होता है, कैसे लिख रहा हूँ चलो पहले याद करने का फैक्ट देख लेते हैं, प्रूफ तो बाद में देख लेंगे. क्या सिखाया था मैंने जंप के साथ, याद आया?
यस सर। तो यहाँ डॉट होते जाते हैं। चलो पहले आंसर लिख लेता हूँ, बेटर है। आंसर इज दिस, ए डॉट सी बी डॉट डी माइनस ए डॉट डी बी डॉट सी। मतलब कहना इसे डॉट डॉट का खेल है, तो ऑब्वियसली इन दोनों वेक्टर्स का डॉट दोनों से होगा, करेक्ट एवरीवन? यस सर। याद करने का पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला डॉट, अब मैं पहले सोच रहा हूँ कि ए का डॉट किसके साथ होगा, सी के साथ या डी के साथ। तो मैंने क्या सिखाया, ए का जंप होता है, तो पहला डॉट किसके साथ आएगा, ए डॉट सी। तो ऑटोमेटिक कौन हो गया उसके साथ, एक और बच्चों, बी डॉट डी। क्लियर? यस सर। यस सर। बीच पे माइनस आता है, अगर ए का सी के साथ हो गया तो ऑटोमेटिक ए का किसके साथ होगा, डी के साथ। तो फिर ऑटोमेटिक बी का किसके साथ हो जाएगा, सी के साथ। सी। चलो लेट्स से मैंने रब कर दिया, बताओ याद करना, वापस याद आया पैटर्न? यस सर। तो बताओ पहले ए का किसके साथ होगा, एक जंप कितना हो गया, ए डॉट सी, ए डॉट सी। तो ऑटोमेटिक कौन आ जाएगा, बी डॉट डी। माइनस अब ए का सी के साथ हो गया, तो अब ए का किसके साथ होगा, ए डॉट डी। तो ऑटोमेटिक कौन हो जाएगा, बी डॉट सी। तो कहना इसे याद तो हो गया। यस सर। यस सर। इसका प्रूफ भी देख लो, समझना इंटरेस्टिंग है। A क्रॉस B डॉट C क्रॉस D है, ठीक है। लेट्स से इसको R वेक्टर बोल दिया, तो क्या सबको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दिख रहा है, सॉरी yes, sir। इसको C नहीं, आ क्या बोला है, R वेक्टर। सबको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दिख रहा है बच्चों? यस सर। यस सर। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, बॉक्स होता है ना एवरीवन? यस सर। तो बॉक्स में मैं डॉट और क्रॉस कहीं भी एक्सचेंज भी कर सकता हूँ ना, ऐसे आया ना। अब स्मार्ट बनो, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, सोचो आर की वैल्यू वापस रख रहा हूँ। अब कौन होगा, पहले डॉट होगा या पहले क्रॉस होंगे? पहले क्रॉस। क्रॉस होंगे, क्रॉस होंगे तो कौन बन गया, देखो तो सही, ट्रिपल प्रोडक्ट। तो जल्दी आना चाहिए था जवाब, क्या हो गया एवरीवन, ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का तो आंसर हमें आता है ना जंप के साथ, एवरीवन? यस सर। यस सर। चलो बोलो फिर कितना लिखूं, डी डॉट डी डॉट डी डॉट डी इनटू सी वेक्टर माइनस बी डॉट डी डॉट सी इनटू डी वेक्टर। हो गया या डॉट लेना बाकी है, एक बस डॉट एक और बाकी है, डॉट लेना बाकी है। तो ए का डॉट लेना है, ये तो स्केलर है ऑब्वियसली, बी डॉट डी। तो ए का डॉट किसके साथ होगा, ऑफ कोर्स सी डॉट सी के साथ। माइनस ए का डॉट किसके साथ हो रहा है, डी के साथ, ए डॉट डी बी डॉट सी। देखो वही आया क्या जो ऊपर लिखा है? यस सर। यस सर। यस सर। कॉपी करो,
Done? Sir. Done, sir. So. Everyone done? Yes, sir. Yes, sir. So. चलो इसी के साथ इसका ब्रदर कौन आएगा वेक्टर फोर प्रोडक्ट चार वेक्टर्स होंगे बट उनके बीच में डॉट की जगह अभी क्या होगा एवरीवन क्रॉस तो अगर वेक्टर फोर प्रोडक्ट है तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है या नहीं व्हाट डू यू थिंक बिल्कुल बहुत बिल्कुल लगाना जरूरी है ओके okay, और कैसे ऐसे लगाते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी चलेगा एवरीवन यस सर सो अब इसके एक्चुअली दो आंसर होते हैं तो पहले प्रूफ ही करते हैं फिर ही आंसर लिखेंगे बेटर रहेगा तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी का प्रूफ इस पे डिपेंड करेगा कि तुम आर वेक्टर किसको बोल रहे हो मैं आर वेक्टर इसको भी बोल सकता हूँ और इसको भी बोल सकता हूँ एग्री करो यस सर यस सर किसको बोले तुम बोलो सी डॉट ए क्रॉस दूसरे को भी मान के करेंगे अभी चलो पहला करते हैं अगर पहला कर रहे हैं तो सबको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट दिख रहा है yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसका जल्दी से बोल दो जंप के साथ अब आर वेक्टर कौन है किसको माना अभी तुमने सी क्रॉस डी सो ए डॉट सी क्रॉस डी हो जाएगा राइट एवरीवन यस सर यस सर ए डॉट सी क्रॉस डी क्या हो जाता है बॉक्स हो जाता है एवरीवन स्केलर प्रोडक्ट यस सर नो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यस सर यस सर यहां पे भी आर इज सी क्रॉस डी तो किसका बॉक्स हो जाएगा बी सी डी का यस सर यस तो ये आंसर आ गया देखो किसके टर्म्स पे ए और बी के टर्म्स पे आया ना यस सर यस सर क्योंकि ए और बी को तुमने ब्रैकेट्स के द्वारा माना है वैसे करा तो देखो इसको याद कैसे करेंगे देखना अगर ए और बी के टर्म्स पे लिखना है दो आंसर आएंगे क्यों क्योंकि एक तुम सी और डी के टर्म्स में भी लिख सकते हो करेक्ट यस सर लेट्स से अगर डिसाइड करा कि ए और बी के बीच में लिखना है तो हम ए और बी में से किसी का जंप करेंगे तो जंप कैसे करेंगे जैसे ए के साथ लेना है तो बी का जंप होगा ए सी डी क्या आ जाएगा एवरीवन फर्स्ट टर्म ए सी डी इनटू ऑटोमेटिक कौन हो जाएगा ई वेक्टर फिर बाद में तो अपने आप फ्री हो गया कौन हो गया बी सी डी इनटू व्हाट तो वापस समझा रहा हूँ ये ताकि तुम दूसरा रिजल्ट प्रूफ करने से पहले गेस करोगे ओके एवरीवन यस सर तो हमने डिसाइड किया कि हमें आंसर किसके टर्म्स में लिखना है ए और बी ए और बी तो ऑटोमेटिक फिर किसका जंप होगा बी का जंप होगा तो ऑटोमेटिक पहला टर्म कौन आ जाएगा फिर अपने आप बताओ ए सी डी इनटू बी वेक्टर Yes, माइनस होगा तो ऑटोमेटिक फिर कौन हो जाएगा बी सी डी इनटू ई वेक्टर यहां तक ओके यस सर यस सर यस सर चलो ट्राई करो अब मैंने डिसाइड किया कि मुझे आंसर सी और डी के टर्म्स में लिखना है तो ऑटोमेटिक किसका जंप होगा बताओ कम ऑन डी सी का करेक्ट ना बी का जंप होता है यस सर यस सर हां तो कौन आ जाएंगे अपना बॉक्स किसका आएगा गेस करो कम ऑन ए बी डी इनटू क्या आएगा सी सी फिर अपना भी अब तो क्या होने वाला है बताओ इसका प्रूफ देखना हो तो यहाँ देख लो ये आर क्रॉस सी क्रॉस डी एवरीवन यस और नो यस सर तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया जंप के साथ क्या लिखेंगे आर डॉट डी सी कैप माइनस आर डॉट सी डी कैप सही है एवरीवन यस सर और आर कौन है यहाँ पे ए क्रॉस बी तो अगर यहाँ पे रखूंगा तो ए क्रॉस बी डॉट डी ए बी डी हो गया एवरीवन यस सर माइनस आर कौन है ए क्रॉस बी तो ए क्रॉस बी डॉट सी कितना हो गया ए बी सी हो गया एवरीवन यस आया ना कार्टूनो यस सर अरे यार क्या गधों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आवाज तो आ नहीं रही है मुझे इसलिए पूछ रहा हूं समझ में आ रहा है सर तो फिर हां या ना बोलना पड़ता है तभी टीचर को लगेगा कि समझ में आ रहा है देख लो ये जो तुमने गेस किया था वही आया हां या ना यस सर चलो दोनों रिजल्ट छुपा देते हैं वापस फिर ताकि बोलने की कोशिश करते हैं रेडी तो आंसर यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ एक्चुअली ज्यादा आंसर है दो ऑप्शन है तो वो प्रॉब्लम है या कन्वीनियंस है व्हाट डू यू थिंक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है
क्वेश्चन में कौन सा यूज आएगा वो फिर थोड़ा ट्रिकीनेस से पड़ेगा, समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। कोई बात नहीं, अब चलो जो है सो है। आंसर ब्रैकेट्स के टर्म्स में आता है, तो ब्रैकेट्स के टर्म्स में तो ए भी है, सी और डी भी है, तो एक्चुअली आंसर दोनों के टर्म्स में आ सकता है। तो लेट्स से डिसाइड किया ए और बी के टर्म्स में लिखना है, तो ए और बी में से किसी का जंप होगा, यस सुनो, बी का जंप, और जंप होगा बी का, बी का जंप, बी। ऑटोमेटिक कौन आ जाएंगे बताओ जल्दी से, बोलते जाओ, एसीडी बी वेक्टर। फिर माइनस ऑटोमेटिक कौन हो जाएगा, बीसीडी इनटू ए वेक्टर। लेट्स से अब डिसाइड किया सी और डी के टर्म्स में रखना है, तो किसका जंप होगा, सी वेक्टर, बी डी। ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, ए डी, इनटू सी वेक्टर, करेक्ट ना? यस सर। माइनस कंजुगेटिव हो जाते हैं, तो एबीसी, एबीसी, डी, एबीसी इनटू डी वेक्टर। अब तो याद हो जाएगा, यस सर, यस सर, यस सर। कॉपी करो,
हो गया कॉपी सबका? यस सर। चलो दोनों यूज करें, इन दोनों आंसर निकालो फटाफट। नेक्स्ट क्लास से हम 3D चालू करेंगे, सुन लिया सबने? यस सर। फर्स्ट वाले में सिर्फ स्केलर का फॉर्मूला लगाना है, बस तो हो गया। यस सर।
हाँ भाई सेकंड क्वेश्चन हो गया। यस एवरीवन हो गया क्या? यस सर। यस लास्ट टाइम आस्किंग, किसी को डाउट है? सर सेकंड वाला कर दो ना थोड़ा शॉर्ट से। ओके देखो फिर ए क्रॉस बी, अब ये क्या हो गया? वेक्टर फोर प्रोडक्ट हो गया एवरीवन। यस सर। यस सर। तो किसी भी ब्रैकेट के अबाउट जंप करके लिखो, बोलो किसके किसके अबाउट लिखूं? फर्स्ट ब्रैकेट। फर्स्ट ब्रैकेट ठीक है, तो पहले जंप किसका होगा? सी का होगा। बी सी ए इंटू सी वैक्टर माइनस सी सी ए इंटू बी वैक्टर, करेक्ट बच्चे? यस सर। ये दूसरा वाला बॉक्स कितना है? जीरो। जीरो। ये तो साइक्लिक ऑर्डर में बॉक्स ही है ना अपना? यस सर। यस सर। तो कभी भी बॉक्स आया तो उसको बी लिखो ताकि तुम्हें समझ में आएगा, अच्छा वो तो स्केलर है कॉमन ले जाता हूँ, करेक्ट ना? यस सर। तो बचा कितना देखो, ये वापस कौन है बॉक्स, क्या आंसर आ गया? बॉक्स स्क्वायर। यस सर। सुन लिया सबने? यस सर। आई होप सबको याद है, इसके जैसा एक सिमिलर क्वेश्चन का रिजल्ट तुमने याद करा हुआ है एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। टू टू बॉक्स क्या मतलब है, ये भी याद करना है क्या? हाँ बिल्कुल याद करना है। यस सर। आज क्या कोई पीटी पीटीएम वीटीएम है क्या? नो सर। यस सर। यस सर। कौन सा सेंटर है? दादर। तो 5 बजे कैसे रखी 5 जब तुम्हारा लेक्चर है? तो सर वो लोग को पता नहीं था आपका लेक्चर, मुझे भी पता नहीं है वो पीटीएम है। हो गया क्वेश्चन? यस सर। ओके होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख देना। कॉपी कर लो जल्दी से। Are we done? Yes, sir. चले आगे बढ़े ना लाइक मू डन सर। ओके अब एक लास्ट थिंग पढ़ानी है मुझे वेक्टर्स में, बस वो फिनिश करके फिर छोड़ूंगा, भले 10-15 मिनट लगेंगे, ठीक है? 10-15 मिनट लगे। वेक्टर इक्वेशंस, तो ये कोई टॉपिक नहीं है, बस वेक्टर के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो इक्वेशन जिसमें मिसिंग वेक्टर पूछते हैं, जैसे बीच बीच में क्वेश्चन किए ना हमने मिसिंग वेक्टर के एवरीवन। यस सर। यस सर। क्या करते थे, या तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की, अदरवाइज को प्लेनर वो प्लेनर होता है तो हम बेटर इन्फॉर्मेशन यूज कर लेते हैं, एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। तो उसी टाइप के क्वेश्चन को समझाने के लिए कुछ चीजें समझा रहा हूँ, बट उससे पहले मुझे तुम्हें एक चीज बतानी पड़ेगी, राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, नॉन को प्लेनर वेक्टर्स लिखो हेडिंग। Can anybody give me an example of non-coplanar vectors? I cap, j cap, n cap. है ना? Yes sir. तो मैं non-coplanar बोलते ही तुम 3 का सेट बताते हो, agree करो? Yes sir. I cap, j cap, n cap. क्यों बताते हैं? Because any 3 non-coplanar vectors, non-coplanar कब होते हैं? पहली बात तो जिनका box क्या होता है? Zero होता है या नहीं होता है? Zero होता है. बताऊंगा क्या? आई डॉट जे क्रॉस के आया ना? सो एनीवे
तो कोई भी तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर लोगे सो उनको बोलते हैं अपन ट्रायड्स या फिर क्या बोलते हैं सिस्टम ऑफ वेक्टर्स. क्या बोलते हैं एवरीवन? ट्रायड्स या सिस्टम ऑफ वेक्टर्स. व्हाई दे आर कॉल्ड सिस्टम ऑफ वेक्टर्स? बिकॉज नाउ वी कैन एक्सप्रेस एनी अदर वेक्टर इन थ्री डायमेंशन. एनी वेक्टर इन 3D. थ्री डायमेंशन की बात कर रहा हूँ ना. 3D चैप्टर दिमाग मत डालना. जैसे तुम्हारा आईजे के प्लेन में है, तुम्हारे रूम में कोई भी एक वेक्टर है, सो वी कैन एक्सप्रेस एनी वेक्टर इन 3D. लेट्स से उसको बोल देते हैं अपन क्या बोले एक्स वेक्टर इन टर्म्स ऑफ दोस थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स. एग्री करो? अगर आईजे के नॉन कोप्लेनर है तो किसी भी वेक्टर को आईजे के टर्म्स में तो लिख सकते हो ना एवरीवन? यस सर. यस सर. तो ऐसे कोई भी तीन नॉन कोप्लेनर होगा, आईजे के जरूरी नहीं है, तो तुम एक्स फैक्टर को उसके टर्म्स में लिख सकते हो. एग्जांपल, एक्स फैक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी. ए भी नहीं लेता हूँ, एल ले लेता हूँ, बेटर है. एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप. बिल्कुल सही है एवरीवन? यस सर. यस सर. ऐसे ही अगर मैंने तीन नॉन कोप्लेनर लिए ए बी सी, तो ये लिखना भी बिल्कुल सही है. इसके लिए एबीसी को बस एक ही कंडीशन चाहिए. क्या होना चाहिए एवरीवन? नॉन कोप्लेनर बॉक्स नॉन इक्वल टू जीरो. उसके लिए परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है, जैसे आईजे के हैं, वो तो एक्स्ट्रा है हमारे पास. समझ में आया? यस सर. यस सर. किसी भी वेक्टर को तुम किसी तीन नॉन कोप्लेनर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो. एक्चुअली तो मैं दो वेक्टर के टर्म्स में भी कर, जैसे यहाँ पे तो तीन के टर्म्स में किया, करेक्ट होना? यस सर. यस सर. अब मैं तो बोल रहा हूँ मैं दो वेक्टर के टर्म्स में भी कर सकता हूँ, सिर्फ ए और बी के टर्म्स में. कैसे? अगर ए वेक्टर यहाँ पे है, बी वेक्टर यहाँ पे है, और मैं तीसरे वेक्टर को ए क्रॉस बी ले लूंगा. कम ऑन, एग्री करो? तीसरा वेक्टर एंड दीज टू विल बी नॉन कोप्लेनर. जल्दी से एग्री करो. यस सर. कम ऑन, ए क्रॉस बी तो इस प्लेन में तो नहीं होगा ना एवरीवन? यस सर. यस सर. तो तीनों मिला के तीन नॉन कोप्लेनर हो गए क्या एवरीवन? ए बी एंड ए क्रॉस बी. यस सर. यस सर. बस एक्स वेक्टर को उनके टर्म्स में लिख सकते हो. एल ए प्लस एम बी प्लस एन टाइम्स क्या लिखूंगा एवरीवन? ए क्रॉस बी. सबको समझ में आया ये इंपॉर्टेंट चीज? यस सर. यस सर. कॉपी करो यहां तक. और हमारा कोई पीटीएम नहीं है. शुभ, पीटीएम है दादर का? हाँ सर. अब कहाँ से आ गया? सर कल हम लोग का, दादर वालों का. सर आज कंप्यूटर का है. आज कंप्यूटर का है. कंप्यूटर का. ओके ओके. अरे वैसे भी मेरे को वैसे भी छोड़ा था मैं, ऐसा कुछ नहीं है. 5 मिनट्स के बाद मैं छोड़ दूंगा, 5 से 10 मिनट्स. और जिसको जाना है ही और शी इज फ्री टू गो. रिकॉर्डिंग शायद से नहीं भेजू. सर आपने ए बी सी इक्वल नॉट इक्वल टू नॉन कोप्लेनर लिखा. अरे यार तू फीलिंग समझ यार. सर, मत समझ तो. बट अच्छा है तूने बता दिया, नहीं तो कोई दूसरा नालायक मान सकते थे. Can I move everyone? हो गया क्या? Done sir. Yes sir. Done sir. आगे बढ़ सकता हूँ? Yes sir. Yes sir. ठीक है. हाँ. Second point. लिखो जल्दी से. मैं बोलते जा रहा हूँ, तुम लिखते जाओ. Any vector equation question. मैं अभी गोल्डन वर्ड गोल्डन पॉइंट बता रहा हूँ. एनी वेक्टर इक्वेशन कैन बी सॉल्व इन टू वेज.
method one. Assume the missing vector. कैसे वो अभी बात कर ली अपन ने, या तो आई जे के टर्म्स में करो, बट वो तो सबसे लंबा होता है, कभी कार काम का होता है, अदरवाइज यूजलेस होता है, और अदरवाइज ए बी सी या ए बी ए क्रॉस बी के टर्म्स में, यस नो एवरीवन? यस सर। या फिर ए बी सी है ना, इतना काफी है। मेथड टू, टेकिंग डॉट एंड क्रॉस बोथ द साइड्स, ऐसा हमने करा है याद करो पहले भी एवरीवन, डॉट और क्रॉस लेते जाते हैं दोनों तरफ। यस सर। करे नहीं करे बच्चों, दोनों तरफ डॉट ले लिया, हाँ है ना? यस सर। यस सर। अब दोनों तरफ क्रॉस लेके भी बताऊंगा अभी तुम्हें, कॉपी करो। अब एक क्वेश्चन करता हूँ, डन हो गया? लिखना बंद। x डॉट ए दे रखा है, ए कैप कर देते हैं, x क्रॉस ए कैप इक्वल्स टू टू बी कैप प्लस ए कैप क्रॉस बी कैप। सॉल्व फॉर एक्स, मतलब एक्स किसके टर्म्स में आएगा, आई जे के या ए और बी के टर्म्स में आएगा, व्हाट डू यू थिंक? ए और बी। ए और बी। तो अब इसके दो मेथड से सॉल्व करने के लिए बताओ मैं पहले क्या करूं, एज्यूम या टेकिंग डॉट क्रॉस? टेकिंग डॉट क्रॉस। टेकिंग डॉट क्रॉस। ओके ओके, तो एक्स क्रॉस हमेशा वेक्टर इक्वेशन जो होती है उससे चालू करो, ये तो डॉट है, तो स्केलर है, टू बी प्लस ए क्रॉस बी। तो अब मैं दोनों तरफ किसी का क्रॉस लूंगा, डॉट लेने से तो कोई फायदा नहीं होगा, एक्स ही उड़ जाएगा, एक्स हट जाएगा, राइट एवरीवन? यस सर। यस सर। तो मैं दोनों तरफ क्रॉस लूंगा, तो अब सवाल पैदा होता है किसका लूं, एक्स का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि एक्स वैसे ही नहीं पता है, तो या तो ए का लूंगा या बी का लूंगा, करेक्ट एवरीवन? यस सर। यस सर। ए का लूंगा तो मुझे ए डॉट एक्स चाहिएगा, कम ऑन एग्री करो, देखो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बन जाएगा, उसमें ए डॉट एक्स चाहिएगा, एग्री करो? यस सर। यस सर। हां है ना? यस सर। Yes, और sir. बी का लूंगा तो मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिएगी, उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट बी डॉट एक्स भी चाहिएगा, अब तुम बता दो कौन सा करूं? A क्रॉस। I hope समझ में आता है ये तो? Yes, sir. ये तुम्हें समझाने के लिए अभी लंबे लंबे तरीके से कर रहा हूँ, टेकिंग क्रॉस ऑफ ए ऑन बोथ द साइड्स, कैसे लिखूंगा? हाँ, ये तो ऑब्वियसली ध्यान रखोगे कि प्री मल्टीप्लाई कर रहे हो या पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होता है, सबको पता है ना? यस सर। हाँ सर। इसलिए दोनों लेफ्ट साइड में मैंने प्री मल्टीप्लाई किया है, तो राइट साइड में भी प्री मल्टीप्लाई करूंगा, इज दैट ओके एवरीवन? यस सर। अब लेफ्ट साइड में कौन सी डेफिनेशन लगेगी एवरीवन? प्रोडक्ट कैसे करते हैं, जंप के साथ, याद आया? यहाँ पे सिंपल क्रॉस ले लो, ट्वाइस ए क्रॉस बी क्रॉस प्लस ये ए क्रॉस क्रॉस दिस, मतलब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट अगेन, करेक्ट ना? यस सर। ए स्क्वायर इज यूनिट वेक्टर, तो वन वैल्यू इसकी, तो एक्स वेक्टर a dot x 3 दे रखा है, दिख रहा है ना ऊपर? यस सर। यस सर। a वेक्टर इज इक्वल्स टू ट्वाइस a क्रॉस b क्रॉस प्लस a dot b, a वेक्टर a dot b की वैल्यू से वैल्यू निकाल सकता हूं मैं, a स्क्वायर की वैल्यू 1 है, b वेक्टर a dot b कैसे निकाल सकता हूं, यहां पे दोनों तरफ डॉट ले लूंगा a के साथ, देखो twice a dot b plus a dot a cross b, everyone okay? yes sir. yes sir. ये कितना हो जाएगा जल्दी बोलो? zero. ये कितना हो जाएगा जल्दी बोलो? zero. तो a dot b कितना हो गया एवरीवन? zero. zero. बिल्कुल क्लियर? yes sir. yes sir. a dot b zero हो गया, तो फाइनली आंसर आ गया, x is, इसको इधर ले जाएंगे, 3a minus b plus 2a cross b, ऐसा आ सकता है क्या आंसर? Yes, sir. A, B और A cross B के terms में answer चलता है क्या everyone?
देख लो मैंने टेकिंग क्रॉस ऑन बोथ द साइड लिया और डॉट भी लिया क्योंकि कुछ निकालना था मुझे. क्लियर ना? यस सर. बिल्कुल क्लियर यहाँ तक? यस सर. हमें सब सुनना है, समझना है. मेथड टू. मेथड टू में कैसे स्टार्ट करते हैं? क्या बोला था मैंने? एजम्पशन लो, राइट? यस सर. एक्स को किस टर्म्स में निकालना है? ए और बी के. तो मैं एक्स का क्या एजम्पशन लूंगा? एक्स इज एल टाइम्स ए वेक्टर प्लस एम टाइम्स बी वेक्टर प्लस एन टाइम्स ए क्रॉस बी. सबको क्लियर है? यस सर. यस सर. सबको पता है कि एल की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 3. 3. एम की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? -1. एन की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 2. दोनों मेथड से सेम आंसर आएगा तो सही आएगा. अब दोनों चीज को यूज कर लो. एक्स डॉट ए कितना दे रखा है? 3. 3. तो दोनों तरफ डॉट ले लिया ए के साथ. एल ए डॉट ए एल प्लस एम ए डॉट बी और प्लस ये 0 हो जाएगा. तो एक इक्वेशन यहाँ से आ गई. करेक्ट एवरीवन? यस सर. ए डॉट बी की वैल्यू निकालेंगे, याद है कैसे? यस सर. यस सर. और एक और क्या दे रखा है? एक्स क्रॉस ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 2b प्लस ए क्रॉस बी. यही है ना एवरीवन? यस सर. यस. हाँ, तो मुझे ए डॉट बी की वैल्यू जरूरत पड़ी तो मैंने दोनों तरफ डॉट ले लिया ए के साथ. वही वापस कर रहा हूँ. यस सर. प्लस ए डॉट ए क्रॉस बी. तो यहाँ से ए डॉट बी 0 हो जाएगा वैसे. बट अभी मुझे एल की वैल्यू और निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? ये जो x फैक्टर है उसकी वैल्यू यहाँ पे रखूंगा. कम ऑन, है ना? यस सर. एल ए प्लस एम बी प्लस एन ए क्रॉस बी का क्रॉस किसके साथ? ए के साथ. इट्स इक्वल टू 2b प्लस ए क्रॉस बी. एवरीवन ओके? यस सर. यस सर. चलो क्रॉस ले लेते हैं. ए क्रॉस ए कितना होता है? 0. है ना बच्चों? यस सर. यस सर. यस सर. एम बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, एम बी क्रॉस ए प्लस ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एन ए स्क्वायर बी कैप माइनस ए डॉट बी ए वेक्टर इज इक्वल टू 2b कैप प्लस ए क्रॉस बी. एवरीवन ओके? यस सर. कोई डाउट तो नहीं है ना? नो सर. ओके. अब सब कुछ ए बी और ए क्रॉस बी के टर्म्स में अरेंज कर दो क्योंकि वो नॉन कोप्लेनर होते हैं, कुछ याद आना चाहिए. एनीवे ये बी क्रॉस ए तो इसको माइनस ए माइनस कर दिया प्लस यहाँ पे एन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू 1 है, एन बी कैप ए डॉट बी 0 है, याद आ गया ना? यस सर. इज इक्वल टू 2b कैप प्लस ए क्रॉस बी. तो ये इक्वेशन आई है तो ध्यान से देखो, बी और ए क्रॉस बी में, बी एंड ए क्रॉस बी नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर या बोले नॉन कोलिनियर बोलो, दे आर लीनियर इंडिपेंडेंट. याद आया कुछ पहले बोला? yes, yes, मतलब उनके कोएफिशिएंट्स को क्या कर सकता हूँ? कंपेयर. इक्वेट. एन की वैल्यू 2 एंड एम की वैल्यू कितनी आ गई एवरीवन? -1. ये सब फर्स्ट में रखूंगा. वैसे भी ए डॉट बी 0 है तो एल 3 आ गया ना? यस सर. यस सर. सेम डेटा आ गया. क्लियर है एवरीवन? यस सर. यस. ये कॉपी घर पे ही करोगे बट सबको दोनों मेथड समझ में आए? यस सर. तो ऑब्वियसली ये थोड़े क्वेश्चंस एडवांस के क्वेश्चन में माने जाते हैं बट कभी कभार इसका थोड़ा इजी वर्जन या फिर ऐसा कुछ दे ही सकते हैं. आई होप दोनों मेथड्स क्लियर. Yes, sir. Yes, sir. तो भली ये बाद में कॉपी कर लो, तुम डायरेक्ट नया क्वेश्चन करो एक. कम ऑन. इफ ए वेक्टर इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, कॉपी कर लो.
अभी करना है घर पे करोगे बाद में? घर पे घर पे हमेशा ही घर पे है क्या? पूछ रहा हूँ मैं भी है। चलो ये होमवर्क के साथ दोनों क्वेश्चन करके लाना, वो पुराना वाला कॉपी और ये वाला दोनों मेथड से करके लाना। सुना सबने? यस सर। नेक्स्ट क्लास से अपन 3D चालू करेंगे। वेक्टर इज डन। सुन लिया सबने? यस सर। नहीं नहीं पूरा नहीं, वेक्टर्स का। तो वेक्टर्स का जो जो है मैं लिख के और भेज दूंगा। तुम खुद पहचान सकते हो, इतना तो अक्कल है तुम में भी, पहचान सकते हो। चलो बाय सर। बाय सर।